सोलन में पहली बार राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। यह खेलकूद प्रतियोगिता 27 से 30 अक्टूबर तक सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित होने जा रही है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में देश भर से 600 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल करेंगे। बुधवार को इस प्रतियोगिता को लेकर उच्च शिक्षा विभाग सोलन के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगिता को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। जी, जो हमारा ये राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स का जो हमारा ये माइनर गेम्स का टूर्नामेंट यहाँ जिला सोलन के ठोडो ग्राउंड में होने जा रहा है, इससे संबंधित सारी हमने तैयारियाँ कर ली हैं। उनके बच्चों का ठहरने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था और सारी जो अनुशासन से संबंधित या बिजली पानी या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो लगभग हमारी सारी पूर्ण हो चुकी हैं। और उससे संबंधित आज हमारे यहाँ जितने भी हमने ड्यूटीज़ जिनको तैनात पे इनको लगाए गए था और ऑब्जर्वर वगैरह सारे, उन सब की हमारी जो है कमेटीज़ की यहाँ आज यहाँ बैठक हुई और इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। बाकी जो कुछ और कमियां होंगी तो ये सारे हमारे कमेटी के मेंबर्स वहां जाकर के स्पॉट पे उसका देख रहे हैं। और इसमें जो हमारे 27 तारीख को जो 3 बजे इसकी जो ओपनिंग होगी, जिसमें हमारे माननीय जो हमारे स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल जी इसे मुख्य अतिथि रहेंगे और इसका समापन 30 तारीख को होने जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएँ हमारी जो है अपनी ओर से सारी हमने पूर्ण कर ली है, लेकिन फिर भी आज और कल का दिन, कल क्योंकि बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो और जो कुछ भी यहाँ हमारे करने की कोई व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। गर्ल्स की सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किया गया? इसमें हमारे पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन को हमने पत्र द्वारा उनको सूचित भी किया है और उनका आश्वासन हमें मिल गया है कि सारी जहाँ जहाँ बच्चे हमारे ठहर रहे हैं वो सारा एरिया कॉर्डन करेंगे उसको और पूरी सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं हम सभी को। तो इस बात के लिए मैं यहाँ के एसपी साहब और समस्त जो पुलिस के पर्सोनल हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा है कि वो सारा हम डिप्लॉय करेंगे यथा आवश्यकता अनुसार। तो और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी स्थानीय जनता भी, यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, प्रबुद्ध जनता है, क्योंकि हम सब का कर्तव्य है कि बच्चियाँ हमारी जो है भिन्न भिन्न जो ज़िलों से आएंगी, पूरे स्टेट से आएंगी, तो हम सबकी का कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। तो ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो इसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे।